जोवी के अंदर क्या है। अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने ये जुमला तो लाजमी सुना होगा या पढ़ा होगा आते जाते, क्योंकि बहुत सारे बिलबोर्ड्स पे स्ट्रीमर्स पे इसकी ऐड लगी हुई थी कि जोवी के अंदर क्या है। पिंडी और इस्लामाबाद के जितने लोग थे वो इसी तजस्सुस में थे कि ये है क्या, इसके अंदर है क्या, पता तो चले। तो फाइनली आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद जोवी। आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू। मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर किया है जोवी के थ्रू। तो इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं वो मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, तो उसके हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जो आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोवी के अंदर है क्या। बेसिकली ये ऐप है, इसकी हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री से स्टार्ट करूँ तो ये वर्टेक्स इंटरनेशनल एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बेस्ड है। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है जोवी। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ जोवी। जो भी प्रोडक्ट आप जहन में घर में मंगवाना चाहते हैं वो आप मंगवा सकते हैं थ्रू जोवी। तो जोवी और जोवी का कनेक्शन आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ग्रॉसरीज हो गया, मेडिसिन हो गया, फार्मेसी हो गया, फूड रिलेटेड आइटम्स हो गए हैं, सुपरमार्केट से रिलेटेड आइटम्स, जो भी जहन में आते हैं जोवी वो पूरा कर देता है। मैं कोई उनकी एडवर्टीजमेंट, दिस इज़ नॉट अ पेड एडवर्टीजमेंट, बट खैर आई एम एंडोर्सिंग देम बिकॉज आई फाउंड देम क्वाइट इंटरेस्टिंग एज एन ऐप। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फूडपांडा, चीते एंड जोवी। द मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग की है जोवी ने। पहली चीज़ जो कि फूडपांडा और चीते कैश नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। जिस फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या डिफरेंस है। फूडपांडा और जो फूडपांडा को अगर चीते को हम इसके जोवी के साथ कंपेयर करें तो दे हैव लिमिटेशंस रिगार्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि फूडपांडा के थ्रू अगर आप कहीं से ऑर्डर करना चाहते हैं तो जो इर्द गिर्द कि फूड रिलेटेड आइटम्स हैं या सुपरमार्केट्स हैं उसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो चीते हो चाहे वो फूडपांडा हो। बट जोवी गिव्स यू द फ्रीडम कि आप किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी फार्मेसी से, किसी भी सुपरमार्केट या किसी भी शॉप से आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि चाहे फार्मेसी हो चाहे मेडिसिन हो। आप जैसे घर में होता है कि किसी ख़ास मेडिकल शॉप से या ड्रग स्टोर से आपको वो दवा मिल सकती है जो घर के करीब लोगों से नहीं मिलती, तो जोवी के थ्रू आप जो भी आपके जहन में आपकी पसंदीदा चीज़ हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और जो उसका डिफरेंस होगा इन द सिटी, यानी कि जो ड्रग स्टोर या रेस्टोरेंट का आपके घर से डिस्टेंस होगा उसका आप पे करेंगे एंड यू विल गेट द डिज़ायर्ड आइटम। तो दैट वॉज वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फूडपांडा, चीते एंड जोवी। अब बात करते हैं करीम की इन कंपैरिजन टू जोवी। तो करीम और इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि करीम जो है वो भी डिलीवरी का ऑप्शन आपको देता है और वो भी यही करता है कि जितना भी डिस्टेंस होगा बिटवीन द रेस्टोरेंट या आप कोई भी चीज़ डिलीवर करवाना चाहते हैं किसी से वो कर सकते हैं। बट डिफरेंस जो मेन आया वो आया मार्केटिंग का। करीम ने इसको उस तरह से मार्केटिंग नहीं कर सके जिस तरह से जोवी वाले करंटली कर रहे हैं। सो अब मैं आपको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जो रावलपिंडी में है, स्टोन ऑफ के नाम से, उसका मैंने ऑर्डर किया रिसेंटली। आई लिव नियर पेशावर रोड, तो पेशावर रोड से वो रेस्टोरेंट काफ़ी दूर है। फूडपांडा या चीते उस एरिया को कवर नहीं कर सकते, लिमिट से बाहर हो जाते हैं। सो आई थॉट Why not try जोवी for the first time? तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जोवी ऐप के थ्रू, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मैं आपको बताऊंगा कि जोवी ऐप वर्क कैसे करती है। तो ये होम पेज है जोवी का, ठीक है, और इसमें हम मंगवाओ पे क्लिक करेंगे। अब मैंने ऑर्डर देना है स्टोन ऑफ से, हाँ मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स क्या मैंने डाली हैं। जहाँ से आपने चीज़ मंगवानी है वहाँ से ये पेट शॉप नंबर 1 वो क्लिक करेंगे। स्टोन ऑफ ये रेस्टोरेंट है रावलपिंडी में, मिडनाइट डील 4। डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे ये मैंने लिखी हैं, ठीक है। और ये जो बाय फॉर मी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहाफ पे जोवी का बंदा बाय करे, इसलिए इसको मैं स्विच ऑन कर दूँगा। एस्टिमेटेड प्राइस इसकी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो है वो 575 समथिंग है, तो मैंने 600 एस्टिमेटेड उसकी प्राइस डील की लगा दी है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा और कहाँ से पिकअप करना है और यहाँ मैंने ड्रॉप ऑफ करना है, विच इज़ नियर पेशावर रोड। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि वेरीफाई करो ऑर्डर को, तो हम वेरीफाई भी कर देते हैं। वेरीफाई क्या है, स्टोन ऑफ से ये है, एस्टिमेटेड अमाउंट 600 है, जो इसकी सर्विस चार्जेस हैं डिलीवरी वो 169 है, क्रीम के ऊपर 120 से 160 के अराउंड आते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, बंदा ट्राई कर लेता है कि क्या इनकी सर्विस है। तो अब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। यस, वो पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू प्लेस दिस ऑर्डर। यस आई एम श्योर। सो अब देखते हैं, जोवी जो राइडर है वो क्लोज ही है स्टोन ऑफ रेस्टोरेंट के। ये स्टोन ऑफ है, ये राइडर है, ये जाएगा और मेरे बिहाफ पे ऑर्डर करेगा। लेट्स सी। अच्छा, जब आप ऑर्डर देंगे तो ये नीचे 4 आइकन्स बने आ रहे हैं। इस आइकन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो एक चैट खुल जाएगी। मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो मैंने क्लिक किया तो चेक किया तो जो राइडर था उसके मैसेजेस आए हुए थे। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि ये ऑप्शन आप लाजमी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसके साथ ही एक लोकेशन का ऑप्शन है जिससे आप लोकेशन मॉनिटर कर सकते हैं। फिर उसके साथ एक डिटेल्स का ऑप्शन है जिसमें कहाँ से आपने ऑर्डर उठाना है, कहाँ रखना है, ये आप हाईलाइट देख रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है मिनिमाइज़ का। इससे आप करेंगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगी स्क्रीन और यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका एक ऑर्डर अभी चल रहा है। सो फाइनली इस ऐप का सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो मेरे सामने आ गया है, दैट इज़ द फैक्ट दैट आई कैन नॉट ट्रैक my rider, I cannot track his live location. I'm trying to track his location but his location is not moving from the restaurant. जो उसकी रेस्टोरेंट की पिन पॉइंट लोकेशन है वो ही एग्जैक्ट आ रही है, तो I cannot see where he is right now. So this is definitely one of the drawbacks of Jovi. They should fix it. तो मैंने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया। सॉरी, मेरे हाथ में चीज़ें, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा कैमरे से। मैं करता हूँ, जो एंटिसिपेटेड टाइम था डिलीवरी का उससे पहले मिल गई थी चीज़, लेकिन सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज़ थी कि मैं लाइव ट्रैक नहीं कर सकता था ड्राइवर को। अगर इस चीज़ के ऊपर ये लोग फोकस कर ले तो आई थिंक इट वुड बी वेरी ग्रेट। तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस था। तो दैट्स इट। So that's it from the video. Leave your thoughts in the comments below or let me know what do you think about this app. तो next video तक के लिए, Allah Hafiz.